जब तीन आरजेडी के जो विधायक हैं, वो नीतीश के पक्ष में वोट करते हुए नजर आए, विपक्ष अपनी हार मान चुका है। हालांकि विपक्ष के पास कुछ और बचा भी नहीं था, और ये सब हुआ स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाकर। लेकिन इसकी भनक एनडीए को पहले ही लग गई और फिर सरकार बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। कौन कौन से विधायक बागी होने वाले थे? भारत एट नाइन में आपका बहुत स्वागत है, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। तो आखिरकार बिहार में तय हो गया कि नीतीश बाबू ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि विश्वास मत जो उन्होंने हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा खेला करने की बात यहां पर विपक्षी दल कर रहे थे। बहुत सारे तिगड़म भी लगाए थे, लेकिन सब धराशाही हो गए जब तीन आरजेडी के जो विधायक हैं वो नीतीश के पक्ष में वोट करते हुए नजर आए। नीतीश सरकार के समर्थन में 129 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष ने वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर दिया, जिसका सीधा मतलब था कि विपक्ष अपनी हार मान चुका है। हालांकि विपक्ष के पास कुछ और बचा भी नहीं था, लेकिन विपक्ष ने भी नीतीश कुमार की सरकार को गिराने के लिए लंबा खेल तो खेला था। हालांकि एनडीए ने इसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया, और ये सब हुआ स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाकर। दरअसल बिहार में आज हुआ ये कि आरजेडी ने एनडीए के 8 विधायक को साथ लेकर नीतीश सरकार को गिराने का खेल रचा था। अब इसमें जेडीयू के 5 और बीजेपी के 3 विधायक थे, लेकिन इसकी भनक एनडीए को पहले ही लग गई और फिर सरकार बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। कौन कौन से विधायक बागी होने वाले थे, जरा उस पर नजर डालते हैं। आरजेडी ने नीतीश सरकार को गिराने के लिए सत्ता पक्ष के 8 विधायकों के साथ एक पूरी प्लानिंग रची थी। इसमें जेडीयू के 5 विधायक और बीजेपी के 3 विधायक थे। जेडीयू के 5 विधायकों में बीमा भारती, मनोज यादव, सुदर्शन, डॉक्टर संजीव और दिलीप राय शामिल थे। वहीं बीजेपी के विधायकों में रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्रीलाल यादव थे। लेकिन रविवार रात को एनडीए भाप गया था कि उसके साथ बहुत बड़ा एक खेला होने वाला है, और इस वजह से एनडीए ने सरकार बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। जेडीयू के विधायकों डॉक्टर संजीव, सुदर्शन और मनोज यादव को सुबह तक ढूंढ लिया गया। आरजेडी का आखिरकार प्लान क्या था, जिसके जरिए आरजेडी सोच रही थी कि वो फिर से सत्ता काबिज कर लेगी? दरअसल आरजेडी की तैयारी थी कि सत्ता पक्ष के विधायकों को सदन में अनुपस्थित कर पहले अपने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी बचाई जाए, इसके बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरने के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों को स्पीकर से अलग गुट की मान्यता दिला दी जाए। दिमाग तो बहुत लगाया था, तिकड़म तो बहुत किए थे, लेकिन कहते ना कि एनडीए ऐसा गुट है जो हर एक चक्रव्यूह को भेदता चला जाता है, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद फ्लो टेस्ट में एनडीए सरकार को पटखनी दी जाए। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया तो सत्ता पक्ष के 5 विधायक कम थे। अब इस पर एनडीए ने आरजेडी के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया, और वोटिंग में 112 के मुकाबले 125 वोट से अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी चली गई। अब ऐसे में स्पीकर की कुर्सी जाते ही आरजेडी का खेल बिगड़ गया। खेल बिगड़ते ही सदन से नदारद सत्ता पक्ष के 5 में से 4 विधायक विधानसभा पहुंच गए। इनमें बीजेपी के 3 विधायक रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी, मिश्रीलाल यादव और जेडीयू की बीमा भारती भी सदन पहुंचे। केवल जेडीयू के विधायक दिलीप राय सदन से नदारद रहे। बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में पेश विश्वास मत जीत लिया है। फ्लोर टेस्ट में एनडीए के पक्ष में कुल 129 वोट पड़े, जो कि बहुमत से बहुत ज्यादा है। आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि विपक्ष ने वोटिंग से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया, यानी कि सदन में विपक्ष ने हार मान ली। तो मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि फ्लोर टेस्ट के कुछ घंटे पहले तक पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य में बड़े स्तर पर खेला करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, नीतीश के कई विधायक उनकी बैठक से नदारद भी रहे, फोन स्विच ऑफ थे उन विधायकों के, जिसके बाद से चर्चा तेज होने लगी कि विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी के पाले में जाकर नीतीश को गच्चा देने वाले और टेंशन साफ तौर पर नीतीश की दिख रही थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक रात में नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया कि बिहार में खेला नहीं हो पाया और बाजी पलट गई। रात भर में कैसे पलट गई बाजी, 3 पॉइंट्स के जरिए हम समझेंगे। विधायक की मानी गई शर्तें
बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं और इन विधायकों का बहुमत साबित कराने में अहम रोल था, लेकिन फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले 6 विधायक आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए। उन्होंने राज्य मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर पार्टी विधायकों के लिए आयोजित भोज में भी हिस्सा नहीं लिया। हालांकि इनमें से 3 विधायक उसी दिन लौट आए थे, वहीं एक विधायक संजीव कुमार को झारखंड से बिहार में प्रवेश करते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। दूसरा पॉइंट क्या है, नाराज विधायकों से नीतीश ने खुद की बात। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने सभी नाराज विधायकों से खुद फोन कॉल कर उनसे बात की और उन्हें बिहार विधानसभा में पहुंचने के लिए मना लिया था। तीसरा पॉइंट क्या था, जीतन राम मांझी को मनाने नित्यानंद को भेजा गया। नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले नाराज मांझी को मनाने का काम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सौंप दिया था। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बिहार विधानसभा में पहुंचने से पहले नित्यानंद उनके आवास पर करीब आधा घंटे तक रुके थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विश्वास मत की रणनीति पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक भी वहां पर मौजूद रहे, यानी कि मांझी जो नाराज थे वो भी मान गए। अब नजर डालते हैं कि आखिर मांझी नाराज क्यों थे। दरअसल नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे हम प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी फ्लोर टेस्ट से पहले कई बार अपनी मांग रख चुके हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी को सरकार में 2 मंत्री पद दिए जाने का वादा किया गया था, उसे पूरा किया जाए। अभी सिर्फ मांझी के बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाया गया है, आनंद मोहन और अनंत सिंह के परिवार को साधा गया। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था नीतीश के एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट में कमबैक को लेकर। नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट से पहले आनंद मोहन के बेटे और अनंत सिंह की पत्नी को साथ दिया। दोनों आरजेडी खेमे में थे। इसके अलावा प्रहलाद यादव भी सत्ता पक्ष के खेमे में बैठे नजर आए। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मुकाम से विधायक है, जबकि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद शिवहर से। दोनों को लालू परिवार का बहुत करीबी माना जाता रहा। दोनों के नीतीश कुमार के पाले में चले जाने की वजह से आरजेडी का गेम प्लान पूरी तरह से बिगड़ गया। अब चर्चा थी कि आनंद मोहन की पत्नी जेडीयू के टिकट से वैशाली या शिवहर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं नीलम देवी को भी नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा इनाम मिल सकता है। अनंत सिंह की रिहाई की भी चर्चा है और यही वजह है कि आरजेडी से ये जेडीयू में शामिल हो गए। फ्लोर टेस्ट पर एनडीए के 5 विधायक नहीं पहुंचे थे। जेडीयू के 3 विधायक बीमा भारती, दिलीप राय और बीजेपी के 3 विधायक मिश्रीलाल यादव, रश्मि वर्मा और भागीरथी देवी फ्लोर पर नहीं पहुंची। अब फ्लोर टेस्ट से पहले किसे कितने विधायकों का समर्थन था ये भी जान लेते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत यानी कि सीटें 122 होनी चाहिए। फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए के पास ऑलरेडी 128 विधायकों का समर्थन था, यानी कि वो वैसे भी फ्लोर टेस्ट में पास हो सकते थे। यानी एनडीए के पास बहुमत से 5 ज्यादा विधायकों का समर्थन था। एनडीए में बीजेपी के पास 78, हम के पास 4, जेडीयू के पास 45 विधायक थे। वहीं एनडीए को एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन था। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो फ्लोर टेस्ट से पहले उनके पास कुल 114 विधायकों का समर्थन था, जो कि बहुमत से केवल 8 विधायक कम थे, तो चांसेस बहुत ज्यादा थे। महागठबंधन में आरजेडी के पास 79, कांग्रेस के पास 19 और लेफ्ट के पास 16 विधायक हैं। इसके अलावा बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का एक विधायक भी है, जो ना तो एनडीए में शामिल है और ना ही गठबंधन में। बिहार फ्लोर टेस्ट के बाद किसके पास कितना समर्थन, कुल विधायक 243, बहुमत का आंकड़ा 122, एनडीए 129, बीजेपी 78, जेडीयू 43। विधानसभा अध्यक्ष महेश्वरी हाजरी ने वोट नहीं किया था, हम के पास 4, निर्दलीय 1, महागठबंधन के पास 112, आरजेडी 76, 3 विधायक क्योंकि चले गए एनडीए के पास यानी कि एनडीए गठबंधन के पास, और कांग्रेस 19, लेफ्ट के पास 16, AIMIM 1। तो अब समझिए कि फ्लोर टेस्ट होता कैसे है। फ्लोर टेस्ट को हिंदी भाषा में विश्वास मत कहा जा सकता है, जिसके जरिए तय किया जाता है कि किसी भी राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री या सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है या नहीं। फ्लोर टेस्ट में जनता के वोट के जीते हुए विधायक अपने वोटों के जरिए सरकार के भविष्य का निर्णय करते हैं। ये सदन में चलने वाली एक पारदर्शी प्रक्रिया है। इसमें राज्यपाल किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विश्वास मत के दौरान विधायकों या सांसदों को व्यक्तिगत तौर पर सदन में प्रस्तुत रहना होता है और सबके सामने अपना वोट यानी कि समर्थन देना होता है। अब मामला केंद्र सरकार का हो तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को साबित करना होता है कि उनके पास पर्याप्त सांसदों का समर्थन है या नहीं। लेकिन वही राज्य के मामले में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है, वही केंद्र सरकार की स्थिति में लोकसभा में फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट में विधायकों या सांसदों को व्यक्तिगत तौर पर सदन में प्रस्तुत रहना होता है और सबके सामने अपना वोट यानी समर्थन देना होता है।
फ्लोर टेस्ट कराता कौन है ये भी समझना जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी सदन के स्पीकर के पास होती है और स्पीकर को ही टारगेट किया एनडीए गठबंधन ने। अगर किसी राज्य में स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ हो तो ऐसी स्थिति में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ये एक तरह से अस्थायी स्पीकर होते हैं, हालांकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में इस बात का जिक्र किया है कि फ्लोर टेस्ट से संबंधित सारे फैसले ही प्रोटेम स्पीकर लेते हैं। वोटिंग की स्थिति में सबसे पहले विधायकों की तरफ से ध्वनि मत लिया जाता है, जिसके बाद कोरम बेल बजती है और सदन में मौजूदा सभी विधायकों को सत्ता पक्ष और विपक्ष में बंटने को कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विधायक सदन में बने समर्थन या विरोधी वाली लॉबी की तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद पक्ष में पहुंचे विधायक और विपक्ष में बटे विधायकों की गिनती होती है और फिर स्पीकर इसी आधार पर परिणाम घोषित करते हैं। गिनती के दौरान सत्ता पक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा हो तो सरकार बच जाती है और अगर सरकार जादुई आंकड़े से दूर रही तो सरकार गिर जाती है। अगर फ्लोर टेस्ट में फेल हुए तो क्या? अगर कोई मुख्यमंत्री बहुमत परीक्षण में फेल हो जाता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन नीतीश बाबू इससे बच गए हैं क्योंकि बहुमत का आंकड़ा उन्होंने छू लिया, उससे ज्यादा ही उनके पास समर्थन मिल गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भले लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश ने अपनी सरकार बचा ली हो और अपनी कुर्सी बचा ली हो, लेकिन कुछ राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि आने वाले समय में नीतीश का समय खराब हो सकता है, क्योंकि वो गारंटी तो दे रहे हैं कि बीजेपी से अब वो कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि नीतीश अपनी कुर्सी के लिए पलटू राम कहे जाते हैं। कभी वो महागठबंधन का हिस्सा होते हैं तो कभी एनडीए का हिस्सा होते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आगे नीतीश कुमार अपनी सत्ता आने वाले समय में बचा पाएंगे। फिलहाल इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।